हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अभी भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर ने दिया था 1954 अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या एक प्लानिंग का कंसेप्ट था। इसमें पीटर ड्रकर जी कहते हैं कि जो हमारी इंटरप्राइज है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी सिर्फ जो स्पिरिट है मैनेजमेंट है वो फिक्स नहीं करेंगे। मैनेजमेंट और इम्प्लॉइज मिलकर किसी ऑब्जेक्टिव को सेटअप करेंगे और उसी अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी बोला जाता है। ये दिया है पीटर ड्रकर ने 1954 अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एग्री टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव देम। ये एक स्ट्रेटेजी है कि जिसमें के मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज मिलकर क्या है ऑब्जेक्टिव को सेटअप करती है। पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को कितना क्या है ऑब्जेक्टिव कब तक अचीव करना है। फिर दोनों का अलाइन किया जाता है, किसको अलाइन किया जाता है, जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है और जो इम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है। और फिर क्या परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है कि वो इम्प्लॉय अपनी ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो क्या क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड में बदलाव किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज मिलकर चलते हैं, मिलकर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ये क्या कंसेप्ट है, प्लानिंग का कंसेप्ट है। यूज पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेज। इसमें क्या है मैनेजमेंट के टू स्टाइल का यूज किया गया है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इट सजेस्ट दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन सबॉर्डिनेट्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के द्वारा पीटर ड्रकर जी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है सिर्फ मैनेजमेंट फिक्स कर दे और उनको क्या है एम्प्लॉइज के ऊपर थोप दे कि उन्होंने इनको अचीव करना है, करना ही करना है। बल्कि क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव साइड और डेमोक्रेटिक साइड को यूज करते हुए उनकी क्या है जो एम्प्लॉइज है उनकी एडवाइस लेनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर वो और उनकी सजेशंस को भी बोला जाता है कि अगर वो सजेशन देना चाहे दे सकते हैं, तो उनकी सजेशंस को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स में भी मॉडिफाई भी किया जाता है। देखिए इम्प्लॉइज के लिए सजेशन, इम्प्लॉइज के द्वारा सजेशन मांगे जाते हैं, जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का ही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी इम्पोज ऑन द सबॉर्डिनेट, व्हाट शुड बी डिसाइडेड कलेक्टिवली। ये क्या है, कलेक्टिवली समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या है डिसाइड किया जाना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव बिकम्स इजी एंड क्विक टू अचीव। अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम फॉलो करेंगे, जिसे मैनेजमेंट और इम्प्लॉइज मिलकर ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो क्या है ऑब्जेक्टिव को पाना इजी भी हो जाता है और क्विक भी हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।